राज जी, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जब हम शंका समाधान सुनते हैं तो मन में आता है कि हम सब समझ गए, बस सुनते रहें, परंतु बाद में जीवन में। महाराज जी, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जब हम शंका समाधान सुनते हैं तो मन में आता है कि हम सब समझ गए, बस सुनते रहें, परंतु बाद में जीवन में उतारने के समय आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं आती। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि आपके सुनते सुनते एक दिन सारी शंकाएं दूर हो जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए? आपने कहा सुनते सुनते सब जीवन में आ जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन तुम सुनना बंद करोगे। शंका समाधान या प्रवचन मत सुनिए, बंद कर दीजिए। सुनने वाले का कल्याण नहीं होता, समझ गए? समझ गए? हाँ महाराज जी। प्रवचन सुनना बंद, शंका समाधान सुनना बंद, सुनेंगे नहीं, स्वीकारना शुरू कर दो, उधार हो जाएगा। तुम लोग सुनते हो, स्वीकारते नहीं हो। सुनकर स्वीकारने लगोगे तो अपने आप सुधार होगा, और सुधार होगा तो जीवन का उद्धार होगा। समझ गए? तो सुनना, स्वीकारना, सुधारना और उद्धारना, ये अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम अपने आप चीज़ों को एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? ये करते भी हैं तो दिमाग के स्तर पर। महाराज जी सही बोल रहे हैं, पर ये हमारे लिए नहीं बोल रहे, औरों के लिए बोल रहे हैं। ये दिमागी स्वीकारता है, लेकिन वही बात जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगी ना, तो तुम्हारे अंतरंग से स्वीकारता उठेगी और वह तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित